नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि बीते कुछ समय से बिहार में हर तरफ कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जिसको कि सरकार टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बदलने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बांका जिले में स्थित ओढ़नी डैम को विकसित किया गया है और यह जगह टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी विकसित हो रही है। आलम कुछ यूं है कि बांका शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ओढ़नी डैम के पास पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। यहां प्री वेडिंग शूट के लिए भी कई जोड़ी आ रहे हैं। वहीं डैम में सैर के लिए वाटर स्कूटर की भी व्यवस्था की गई है। एक समय ऐसा था कि यह जगह माओवादियों का गढ़ मानी जाती थी। यहां आना तो दूर, लोग इस जगह का नाम सुनकर ही जितनी दूर हो सके उतनी दूर रहना चाहते हैं, लेकिन समय के साथ इस जगह की सूरत बदल गई। आलम कुछ यूं है कि अब इस जगह पर सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। ओढ़नी डैम से सटे पहाड़ इसकी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। महादेव और पार्वती का मंदिर क्षेत्र की सुंदरता को और भी निखारता है। डैम के तीनों तरफ पहाड़ी जो हर पर्यटकों का मन मोह लेता है। मिली जानकारी के अनुसार यहां हर दिन लगभग सैकड़ों सैलानी ओढ़नी डैम आते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गार्ड की भी व्यवस्था की गई है। यहां आए पर्यटकों का कहना है कि बिहार में ऐसी खूबसूरत जगह बहुत कम है, इस जगह को और भी विकसित करने की जरूरत है। डैम के ऊपर पहाड़ी पर पिकनिक के लिए बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है। यहाँ पर कई पर्यटक भोजन बनाने का काम करते हैं। रात में भी यहाँ रुकने की व्यवस्था है। हालांकि अभी इसके लिए होटल बनाने का काम बचा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसको लेकर होटल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में सरकारी अफसर और नेताओं के अलावा पर्यटक भी रुक सकेंगे। बांका डीएम सुहर्ष भगत ने डैम के आसपास के एरिया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं गोवा की फीलिंग के लिए और वाटर बोट का लुफ्त उठाने के लिए प्रति व्यक्ति को 300 रुपए और हाफ राइड के लिए 100 रुपया प्रति व्यक्ति का चार्ज है। वहीं जेट स्कीइंग के लिए फुल राइड के लिए 500 और हाफ राइड के लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए का चार्ज देना होगा। फिलहाल वाटर एडवेंचर की यह सुविधा एक निजी कंपनी द्वारा दी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यही कारण है कि बिहार सरकार लगातार पर्यटन को विकसित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का काम कर रही है, जिसके बाद अब लोगों के लिए ओढ़नी डैम की शुरुआत भी हो गई है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।